हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। सीबीएल यूनिवर्सिटी की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज से अभी से मैं सीबीएल यूनिवर्सिटी की हर एक अपडेट आप लोगों को देने वाली हूँ। क्योंकि आई नो मैं अभी तक सीबीएल यूनिवर्सिटी की बीएड की अपडेट देती थी, पहले मैं देती थी सारी अपडेट, बट मैंने बंद कर दी थी क्योंकि रिस्पांस नहीं मिल रहा था। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सीबीएलयू में होने वाले हर एक एग्जाम के बारे में, चाहे वो यूजी का है चाहे पीजी का है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, हर एक सेमेस्टर की यहाँ पर बात होने वाली है। आप लोगों के कब से एग्जाम स्टार्ट हैं, कब तक चलेंगे, कौन कौन सा एग्जाम कहाँ पर है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है मेरे पास। हाँ, एक ही कमेंट आया है, सीबीएलयू की बीए फर्स्ट ईयर की डेट शीट को समझा दीजिए ऐसा। तो मैं आप सभी के लिए आज से स्टार्ट कर रही हूँ सीबीएलयू की हर एक अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अब आप लोगों को आपकी डेट शीट दिखाती हूँ, कौन कौन से कोर्स की आई है और कौन से कोर्स की नहीं आई और कब तक आ जाएगी। बना लिया हर एक डेट शीट की, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है आपकी बीएससी की थर्ड सेम की ओनली मेन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। रीअपेयर वालों के लिए ये डेट शीट नहीं है, मेन स्टूडेंट्स के लिए है। 7 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 7 फरवरी से आपके स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम हैं, 25 फरवरी तक चलेंगे। 31 का ये अपडेट था। उसके बाद बीए थर्ड वालों का जो एग्ज़ाम है वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और आपके जो एग्ज़ाम हैं 7 मार्च तक चलने वाले हैं। नेक्स्ट जो डेट शीट है वो फिफ्थ वालों की है, बीए फिफ्थ की। 11 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आपके एग्ज़ाम जो हैं वो चलने वाले हैं यहाँ पर 2 मार्च तक। फिर आपकी जो डेट शीट है वो है बीकॉम फिफ्थ वालों की, 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और आपके एग्ज़ाम जो हैं 6 मार्च तक रहने वाले हैं। प्लीज़ अपने क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि आपके फ्यूचर जो जूनियर हैं उनके लिए हेल्प हो जाए। ये है आपकी बीएससी फिफ्थ सेम की, ठीक है। 11 से 28 तक चलने वाले हैं इनके एग्ज़ाम। उसके बाद आपका बीएससी फिफ्थ सेम की मैं बात करूं तो मैथ वालों के लिए है ये, और ये मेन रीअपेयर इम्प्रूवमेंट सब के लिए है। 11 से 23 तारीख तक एग्ज़ाम चलेंगे। बीबीए फिफ्थ सेम वालों के लिए है, मेन रीअपेयर सभी के लिए 11 से 25 तारीख तक। और बात करनी है यहाँ पर कि कौन से की आई है कौन से की नहीं आई है, तो यहाँ पर फिफ्थ सेम थर्ड सेम की आ चुकी है डेट शीट, ठीक है, आप लोगों की। 7 सेम की आ चुकी है, 9 सेम की आ चुकी है, बट बात करनी है फर्स्ट सेम की। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने मुझसे पूछा है बीए फर्स्ट का, तो बीए फर्स्ट की अभी तक डेट शीट नहीं आई है, बीकॉम फर्स्ट की भी डेट शीट नहीं आई है, डेट शीट आई है बीएससी फर्स्ट की, ठीक है। बीएससी फर्स्ट की मैं आपको डेट शीट दिखा देती हूँ, ये बीए थर्ड वालों की है, रीअपेयर इम्प्रूवमेंट वालों की। आपके 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 3 मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। बीकॉम थर्ड वालों के भी सेम ही रहने वाले हैं। उसके बाद आपका यहाँ बीएससी थर्ड वालों के भी सेम डेट से हैं। ये आपका बीएससी मैथ थर्ड सेम हो गया है, 13 फरवरी से 24 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम हैं। ये आपका बीबीए थर्ड वालों की डेट शीट है। लास्ट में यहाँ आपको मिलेगी, मैं दे देती हूँ लास्ट, क्योंकि बहुत सारी हैं यहाँ बीटेक वगैरह की आपकी डेट शीट। ये आपकी यूजी पीजी की है, पीजी फर्स्ट, यहाँ पर आपको एमएससी दिख रहा है, एमएससी वालों की ये डेट शीट है, ठीक है। एमएससी रीअपियर मेन इम्प्रूवमेंट थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट है ये। ये पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं पूरी पीडीएफ, ये मैं आपको वहाँ दे दूँगी। ये है आपकी बीएससी फर्स्ट सेम की ओनली मेन स्टूडेंट्स के लिए, रीअपेयर की अभी नहीं आई है। 7 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और 25 फरवरी तक एग्ज़ाम है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एग्ज़ाम आपके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पेपर 9350997162 नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी और आपके जूनियर्स की हेल्प हो जाएगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।